ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਮੈਂ ਹਾਂ ਰੂਹੀ ਗਰੋਵਰ ਤੇ ਹੁਣ ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵੱਲ ਸਿੰਘ ਬਾਰਡਰ ਕੋਲ ਨਿਹੰਗ ਜਥੇਬੰਦੀ ਬਾਬਾ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੋਇਆਂ ਦੀ ਮੰਡੀ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਸਥਾਨ ਸ੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਟੈਂਟ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰਬਲੋ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਕੇ ਭੱਜਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਘਿਨੌਣਾ ਤੇ ਭਿਆਨਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਉਸਦੀ ਵੱਡੀ ਟੁੱਕੀ ਲਾਸ਼ ਪੁਲਿਸ ਬੈਰੀਗੇਟ ਨਾਲ ਲਟਕਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਵਾਇਰਲ ਵੀਡੀਓ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁਝ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕਤਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਕੁੰਡਲੀ ਥਾਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦਫ਼ਾ 302 ਤੇ 34 ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਨਿਹੰਗ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਹੈ। ਸਰਬਜੀਤ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਟੈਸਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। संयुक्त किसान मोर्चे ने सिंगू बॉर्डर ते तरन तारण दे व्यक्ति दी हत्या दी निंदा करदे इस मामले दी पूरी जांच करदे दोषियों खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई दी मांग कीती है। उन्होंने दावा किया कि इस घटना पिछे कोई साजिश भी हो सकती है। मोर्चे ने दोष लाया कि किसान अंदोलन नूं बदनाम करन लई धार्मिक रंगत भी दित्ती जा रही है। किसान आगुआ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि लोकतंत्री ते शांतमई ढंग नाल चल रहे अंदोलन विच किसी किस्म दी भी हिंसा दा विरोध किया जाएगा। किसान आगू जगजीत सिंह डल्लीवाल ने कहा सानू सारयां नूं घटना दा बहुत अफसोस है। संयुक्त किसान मोर्चा तीन खेती कानूनों खिलाफ लड़ रहा है। यह हत्या कोई साजिश भी हो सकती है। उन्होंने कहा कि घटना की पूरी जांच करके दोषियों खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अज रक्षा खेतर विच पहला नालों ज्यादा पारदर्शिता ते विश्वास है ते भारत नवे भविख ते निर्माण लई नवे संकल्प लै रहा है। दशहरे मौके ते 7 नवीं रक्षा कंपनियां नूं राष्ट्र नूं समर्पित करन लई रक्षा मंत्रालय वल्लों करवाए समागम दौरान नरेंद्र मोदी ने यह गल कही। नवजोत सिद्धू दिल्ली विच राहुल गांधी नूं मिलन उन्हां दी रिहायश ते पहुंचे जिथे नवजोत सिद्धू दी हाईकमान नाल बैठक हुई। राहुल गांधी नाल हुई इस बैठक विच पंजाब कांग्रेस दे इंचार्ज हरीश रावत ते केसी वेणुगोपाल भी मौजूद सन। इन्हां नेतावां विचाले काफी लंबे समय तक बैठक चली। इस बैठक दौरान सिद्धू ने हाईकमान नूं अपना अस्तीफा वापस लैण बारे जानकारी दित्ती। नवजोत सिद्धू ने कहा कि उन्होंने अपनी गल हाईकमान सामने रख दित्ती है। हुण हाईकमान ने फैसला लिया है कि वह अपने पंजाब प्रधान दे अहुदे ते बने रहणगे। आम आदमी पार्टी ने केंद्र सरकार वल्लों सीमा सुरक्षा बल दा अधिकार खेतर वधाउण दे मुद्दे ते पंजाब सरकार ते निशाना साधिया। पार्टी ने कहा कि मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने अद्धे नालों ज्यादा सूबे नूं मोदी सरकार नूं समर्पित कर दिता है। आप ने दोष लगाया कि केंद्र वल्लों कौमी सुरक्षा दे नां ते BSF दीआं शक्तियां विच वाधा करीब अद्धे पंजाब नूं केंद्र अधीन लियाउण लई कीता गया है। 99 साल के सबका प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मैडिकल सायंसिज एम्स विच दाखिल हैं ते उन्हां दी हालत स्थिर ते सुधर रही है। एम्स के अधिकारी ने कहा सबका प्रधानमंत्री दी हालत स्थिर है ते उन्हां दी सेहत विच सुधार हो रहा है। पांच बार पंजाब दे मुख्यमंत्री रहे प्रकाश सिंह बादल ने सूबे दीआं सारीआं सियासी पार्टियां नूं अपील कीती है कि वह आपसी लड़ाई बंद करके केंद्र वल्लों पंजाब नूं पिछले दरवाजे राही BSF वर्गे केंद्रीय सुरक्षा बलां हवाले करके केंद्र शासित प्रदेश विच बदलन दे यतन विरुद्ध एकजुट होकर हमला मारन। केंद्र ने इस कदम नाल पहलां ही खतरे विच पिया देश दा संघी ढांचा होर कमजोर हो जाएगा ते इस नाल सूबा सरकार म्युनिसिपैलिटी बन के रह जाएगी। इह पंजाबियां दे मान ते सत्कार लई वड्डा झटका है। एक बयान विच बादल ने कहा कि जेकर असीं सौड़े हितां लई आपसी लड़ाई बंद ना कीती ते फिर केंद्र सरकार साडी कमजोरी दा लाहा लवेगी। कल नूं असीं पछतावांगे ते साडे कोल लोकां दी मुश्किलां हल करन वास्ते कोई ताकत नहीं रह जावेगी। पंजाब दीआं 2022 दीआं चोणां विच भारती किसान यूनियन चलूनी नवीं राजनीतिक पार्टी बना के अपने उम्मीदवारां नूं चोण मैदान विच उतारेगी। इस नूं लै के यूनियन आगुआं वल्लों पंजाब विच सर्वेखण शुरू कर दित्ता है। इस संबंधी अज यूनियन दे कौमी प्रधान गुरनाम सिंह चलूनी वल्लों फाजिलका दौरा कीता गया ते कई किसान आगुआं नाल मुलाकात कीती गई। पत्रकारां नाल गल्लबात करदिआं उन्होंने कहा कि राजनीति विच चंगे लोकां दी लोड़ है जिस नूं लै के इह फैसला लिया गया है। दक्षिणी अफगानिस्तान दे सूबे दिया शिया मस्जिद विच नमाज दौरान धमाका होया है। तालिबान दे बुलारे बिलाल करीमी ने दस्या कि धमाका कंधार दी मस्जिद नूं निशाना बना के कीता गया। धमाके विच 37 जाना गईआं ते 73 व्यक्ति जख्मी होए ने। इसे हफ्ते दे शुरू विच देश दे उत्तरी हिस्से विच अजिहा ही धमाका होया सी। वातावरण मंत्रालय वल्लों दस्या गया कि पंजाब हरियाणा ते यूपी दे 8 NCR जिलों विच झोने दी रहिंद खूंद नूं साड़ना इस साल काफी घट गया है। मंत्रालय दा कहना है कि पिछले साल दे मुकाबले 2021 विच अग लगन दी गिनती घट हुई है। पिछले एक महीने विच 1795 अगां दी गिनती रिपोर्ट कीती गई जदों कि 2020 विच इसे म्याद दे दौरान 4854 मामले सामने आए हन। ए सी साडा अज दा पंजाबी खबरां दा बुलेटिन हुण मैनूं दिओ इजाजत। सत श्री अकाल।